फ्रेंड्स, नवजात शिशु के लिए उसकी माँ का दूध किसी वरदान से कम नहीं होता है। ये बात तो आपने हमेशा सुनी होगी और हमेशा यह भी कहा जाता है कि किसी औरत की डिलीवरी के बाद उसे सबसे पहले अपने माँ का ही पीला गाढ़ा दूध पीना चाहिए। ऐसा करने से उसे पूरी जिंदगी के लिए अपनी बॉडी से रोगों को मुक्त करने की शक्ति मिल जाती है। अक्सर आपने ये भी सुना होगा कि सारे डॉक्टर हमेशा नई माँ को यही हिदायत देते हैं कि वो पहले 6 महीने तक बच्चे को केवल अपना दूध ही पिलाएं और इसके अतिरिक्त और कुछ भी ना पिलाएं, फिर चाहे वो पानी ही क्यों ना हो, क्योंकि नवजात शिशु के लिए उसकी माँ का दूध ही पानी होता है, उसकी माँ का दूध ही खाना होता है और सब कुछ वही होता है। माँ के दूध के अंदर बच्चे को काफी ज्यादा प्रोटीन मिल और काफी ज्यादा शक्ति भी मिलती है, जिसकी वजह से बच्चा लंबे समय तक अपनी बॉडी को रोगों से बचा पाता है। माँ के दूध के अंदर कई ऐसी चीजें भी होती हैं जो बच्चे के शरीर को रोगों से मुक्त करने के लिए और रोगों से लड़ने की क्षमता देते हैं। ऐसा करने से बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम भी काफी हद तक मजबूत बन जाता है और बच्चे की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए भी ये काफी अच्छा ऑप्शन रहता है। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।